एक्सरसाइज 3.1 और बात करते हैं, जो पहला पार्ट मैंने आपको बताया था, तो वहां अभी सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ जब आपको अवयव दिए गए हों और संभव कोटियां हों, वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो उसके बारे में ये वीडियो रहने वाली है। और इसमें 2 दिन क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और क्वेश्चन का जो सिंप्लीफिकेशन है बहुत ही इजी मेथड से है। तो देखिए, प्रश्न है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या हैं। संभव कोटियां की बात करता है जब अवयव आपके पास दिए हों, तो हमें क्या करना है। हमने बताया था कि जो हमारे अवयव की संख्या है वो निर्भर करती है पंक्ति और स्तंभ की गुणा पर। तो अब हमारा जैसे यहाँ पर दिया गया है 24, तो हमें ऐसी संख्याएं सेलेक्ट करनी है जिनसे मल्टीप्लाई होकर आपका 24 बैठता हो। तो यहाँ केवल आपको 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत 1 से करते हैं, तो 1 गुणा 24 24 हो गया। दूसरे नंबर पर चलते हैं तो 2 गुणा 12 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 24 अवयव बनाने हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 8 हो गया, ये भी 24 हो गया। नेक्स्ट नंबर पर पढ़ते हैं तो ये 4, और 4 के साथ करनी पड़ेगी आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 के साथ कोई इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 नहीं आएगा, इसलिए नेक्स्ट नंबर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 24 हो गया। 7 में भी 24 आपका नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। उसके बाद में 9 से नहीं बनेगा, 10 से नहीं बनेगा, 11 से नहीं बनेगा, इसका मतलब बनेगा आपका 12 से। 12 का करते हैं 2 बार, और लास्ट जो रहने वाला है यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई 1। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे संभव कोटियां पूछता है तो जो आपके अवयव हैं वो किन 2 संख्याओं की गुणा से प्राप्त होता है, तो ये मैंने बता दिया है। उसके बाद इसने बोला है ये 13 के बारे में और बोला है। तो देखिए, 13 की बात करते हैं तो 13 के लिए एक तो 1 गुणा 13 हो गया, और दूसरा ही इसका अपोजिट कर लेंगे का 13 गुणा 1, यानी बाद वाले नंबर को पहले ले आएंगे और पहले वाले को लास्ट में ले आएंगे। सेकंड सवाल यानी इसका थर्ड सवाल कहता है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, अब की बार इसने 18 अवयव बोले हैं तो सभी संभव कोटियां पूछी हैं, और 5 अवयव हैं तो सभी संभव कोटियां क्या हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में देना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि एक जो है 2 बाई 2 का अवयव आपके पास में है, की रचना आपको करनी है जिसके अवयव नीचे दे रखे हैं। ये 3 पार्ट आपको दिए गए हैं, 2 पार्ट में आपको बताऊंगा और थर्ड पार्ट का आंसर आपको खुद करना है। तो देखिए, यहाँ 2 बाई 2 का मतलब है इसमें आपकी 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ होने हैं। तो देखिए, पहले पार्ट पर देखते हैं तो 2 बाई 2 क्या, अगर आपको अवयव बनाना है तो उसके लिए आपको लीजिए अवयव चाहिए, एक तो A11 चाहिए आपको, A12 चाहिए, उसके बाद में आपको A21 चाहिए, और उसके बाद में A22। इन अवयवों को आप निकाल लेंगे और इस अवयव के अंदर रख देंगे। चलिए, अगर हम A11 की बात करते हैं तो यानी I की वैल्यू भी 1 रखनी है और J की वैल्यू 1 करनी है। तो यहाँ 1 + 1 का स्क्वायर बटे आपका 2 है, तो ये 1 और 1 कितना होगा, 2। 2 का स्क्वायर करते हैं आप, 4 हो गया। 4 में अगर 2 से डिवाइड देते हैं, ये 2 आपका हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं A12 की, इसका मतलब है 1 2 में आपको क्या करना है, I की जगह 1 रखना है और J की जगह 2 रखना है। रख देते हैं तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे में आपका 2 है, तो यहाँ ऐड करते हैं 1 और 2 में 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में आप देते हैं 2 से डिवाइड, तो ये हमारा 4.5 होता है। चलिए, उसके बाद में ये A11 आपका हो गया, A12 आपका हो गया है। तो देखिए, आप देखते हैं A21 में क्या करेंगे कि हम I की वैल्यू 2 रखेंगे और 1 J की 1 जो रखनी है वो J की वैल्यू रखनी है, तो रख देंगे यहाँ पे 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से देखते हैं 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर जब करते हैं 9, और डिवाइड देना है 2 से, तो ये भी हमारा 4.5 हो जाता है। उसके बाद में देखिए, आपका जो करते हैं A22, आई भी आपको 2 रखना है और जे की वैल्यू भी 2 रखनी है, तो यहाँ पे देखिए 2 + 2 का स्क्वायर और बटे में चल रहा है आपका 2, 2 और 2 को जोड़ते हैं 4, और 4 का स्क्वायर जब करते हैं यहाँ 16 बटे 2, 2 से कट करते हैं ये 8 बार। अब आवयु की बात आती है, तो इसके लिए जो आवयु आपका बन जाएगा, यानी कैपिटल ए जो बन जाएगा इस पहले पार्ट के लिए, तो इसके लिए आपके आए हैं, देखिए पहले आपका 2 है, उसके बाद में 4.5 है, उसके बाद में देखते हैं 4.5, और उसके बाद में आपका 8।
ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट को ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है आपका, देखिए यहाँ यहाँ कर देता हूं मैं सेकंड पार्ट के लिए। तो देखिए यहाँ ए आई जे जो दिया हुआ है, आई अपॉन जे दिया गया है, तो यहां से भी वही है, आज का भी 2 बाई 2 का आपको क्रम बनाना है। तो यहाँ पहले ए 1 1 कर लेते हैं, यानी आई और जे की वैल्यू 1 1, तो 1 अपॉन 1 डेट इज 1 हो गया। उसके बाद में करते हैं A 1 2, आई की वैल्यू 1 रखनी है, जे की वैल्यू 2 रखनी है, तो ये इसका डिवाइड देंगे तो ये 0.5 हो जाता है। अब A 2 1 चलते हैं, यानी आई की वैल्यू आपको 2 रखनी है और जे की वैल्यू 1 रखनी है, तो यहाँ 2/1 = 2 हो गया। A 2 2, तो यहाँ आई और जे दोनों की वैल्यू समान रखनी है, 2 से 2 काट देंगे 1 बार, इसलिए यहाँ जो सेकंड पार्ट के लिए हमारा जो आव्यूह प्राप्त होता है, तो देखिए पहले आपका 1 है, उसके बाद में 1 2 आपका 0.5 है, 2 1 की बात करते हैं यहाँ 2 है, और 2 2 की बात करते हैं यहाँ 1 है। तो ये देखिए 2 पार्ट मैंने आपके करे हैं, एक पार्ट जो आपका थर्ड दिया गया है ये आपके लिए छोड़ा है, और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे।